आई एम डॉक्टर गोयल स्पीकिंग फ्रॉम संजीवन फॉर परफेक्ट आई से बॉम्बे से मैं बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक है ड्राई आईज या आंखों का सूखापन। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है ये। इसका मतलब है, जैसे नाम में ही है, सूखापन। जब आंसू आँख को बराबर मॉइस्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो रही आँखें मॉइस्ट, तो अपने को ये ड्राई आईज या आंखों का सूखापन कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ड्राई आईज के सिम्टम क्या हैं, कारण क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। ड्राई आईज बोलते किसको हैं, ये मैंने बताया कि जब आंखों का मॉइस्चर कम हो जाता है, आंखों को बराबर जो आंसू होते हैं, टीयर होते हैं, बराबर मॉइस्ट नहीं कर पाते हैं, तो ड्राई आईज होती है या आंखों का सूखापन होता है। इसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण? सिम्टम होते हैं इसके, आंखों में दुखना, आंखों में जलना, आंखें लाल हो जाना, आंखें इरिटेटेड रहना, आंखों पे लाइट पड़े तो बहुत फोटोफोबिया होना, लाइट सहन नहीं होना, आंखें लाल हो जाना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना, ऐसा लगे जैसे आंखों में कोई कंकड़ है या फॉरेन बॉडी है, ये मोस्टली इसके सिम्टम होते हैं या लक्षण होते हैं। अब डिस्कस करेंगे इसके कारण क्या है, व्हाट आर द कॉजेस, कॉज क्या है इसके। इसके बहुत सारे कॉजेज हैं ड्राई आईज के। उम्र जब बढ़ती है इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, मीनोपॉज लेडीज में मीनोपॉज में भी हो सकता है। मोस्टली जो आजकल पूरा वर्ल्ड कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, गैजेट्स पे बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, तो ज़्यादा गैजेट्स पे बिना गुड हैबिट्स फॉलो किए अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर के सामने रहें तो भी ड्राई आईज हो जाती है। बहुत सारी ऑटोसोमल डिजीजेज हैं, इसमें भी ड्राई आईज हो जाती हैं। थायराइड प्रॉब्लम में भी ड्राई आईज हो जाती हैं। बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिनमें ड्राई आईज होती हैं। विटामिन ए की कमी से भी ड्राई आईज हो जाती हैं। हाइड्रेशन बॉडी का बराबर नहीं हो तो भी ड्राई आईज हो जाती हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ड्राई आईज अपने को हो सकती है। मोस्टली ड्राई आईज में होता क्या है कि जो आंसू होते हैं वो आईज को मॉइस्ट करते हैं। आंसू दिखने को तो अपने को बहुत प्लेन दिखते हैं, इसमें तीन लेयर होती हैं। अंदर म्यूसिन जो प्रोटीन सी बनी होती है, बीच की लेयर एक्वस जो पानी लिक्विड, एक्वस मतलब वाटर, और ऊपर की लेयर लिपिड जो लिपिड ऑयल जैसी बनी रहती है। जो अंदर की लेयर है म्यूसिन, उसका वर्क है कि वो स्टिक जो मॉइस्चर रहे वो स्टिक रहे दीवाल ऑफ आईज से, जो बल्बर कंजक्टिवा है और कॉर्निया है, कॉर्निया जो सेंटर पार्ट ऑफ काला दिखता है आँख में वो कॉर्निया बोलते हैं, कि एक ऐसा है एक पार्ट है जिसको ब्लड सप्लाई नहीं होती, वो अपना ऑक्सीजन ये आंसू से बाहर एटमोसफेयर से ही लेता है, क्योंकि उसको स्टिक करने के लिए वो उसमें आंसू रहें, स्टिक रहें, ऐसा आए और निकल नहीं जाए, तो वो म्यूसिन का काम होता है जो प्रोटीन से बनी रहती है। एक्वस बीच में जो पानी जैसा रहता है, टीयर का पार्ट, आंसू का पार्ट, जो लैक्रिमल ग्लैंड जो आउटर लेयर ऑफ आउटर साइड ऑफ द आईज में एक लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं जो ये सीक्रेट करती हैं जो वाटर जैसे, इसको जो अपन एक्वस पार्ट बोलते हैं, टीयर का या आंसू का। थर्ड पार्ट लिपिड जो अपने पलकें होती हैं, इसमें मेरोबियन ग्लैंड्स होती हैं जो ऑयल जैसे सबस्टेंस सीक्रेट करती हैं, वो एक्वस लेयर के ऊपर रहता है जिससे कि एक्वस उड़ नहीं जाए, पानी उड़ नहीं जाए, एवोपरेट ना हो जाए उसको रोकने के लिए। तो ये जो तीनों का मिलके आंसू की लेयर बनती है, ये अपनी आंखों को बराबर मॉइस्ट करना चाहिए जिससे कि आंखें हेल्दी रहें, मॉइस्ट रहें, सर्कुलेशन ऑफ द टीयर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मोस्टली होता है ड्राई आईज में। अब इसका ड्राई आईज अगर हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए या इलाज क्या होना चाहिए, उपाय क्या होना चाहिए, प्रिवेंशन क्या होना चाहिए जिससे या तो ना हो गई हो तो ठीक हो जाए। जैसे मैंने बोला डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, जो चीज़ें विटामिन ए कंटेंट रखती हैं, क्योंकि विटामिन ए की कमी से भी ड्राई आईज होती है, वो ड्राई आईज होने से बचाती है। विटामिन ए रहता है ग्रीन, येलो एंड रेड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रीन वेजिटेबल जैसे लीफी वेजिटेबल, स्पिनेच,
रेड जैसे कैरेट एंड रेड पेपर, इवन स्वीट पोटैटो, येलो मींस मैंगो पपाया एप्रिकॉट, नॉन वेज खाने वालों को लीवर, तो ये सब चीज़ों में विटामिन ए अच्छी क्वांटिटी में रहता है, नेचुरल फॉर्म में रहता है, विच इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ आई एंड बॉडी। ये अपने ड्राई आइज होने से बचाता है। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन में पानी की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी तरह से पानी पीना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है। नाउ ये डाइट और पानी पीने का या लिक्विड पीने का मैंने बताया। मेनली जो हैबिट रहती है उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसे अपन कंप्यूटर की बात कर रहे थे, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है CVS, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे काम कैसे किया जाए वो मैंने प्रीवियस वीडियो पे भी बताया था, लेकिन इन समरी अगर अपन कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं लंबे समय तक, तो उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है आपकी ब्लिंकिंग, बिकॉज नॉर्मल वे में 15 से 16 टाइम एक मिनट में आदमी को ब्लिंक करना चाहिए, कुछ बुक्स में 20 से 22 टाइम भी लिखा हुआ है। लेकिन देखा गया कि जो लोग कंप्यूटर पे वर्क करते हैं वो करीब 6 to 7 टाइम ही ब्लिंक कर पाते हैं। ज़्यादा ब्लिंक करना इसलिए अच्छा है कि वो टियर ग्लैंड को सर्कुलेट करता है आँखों के ऊपर। जैसे ब्लिंक करते हैं तो वो सर्कुलेट होता है, जो मेमिबियन ग्लैंड्स हैं वो लिपिड एक्सक्रीट करती हैं या लिपिड बाहर छोड़ती हैं, जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो आंसू बाहर छोड़ती हैं, म्यूसिन भी बनता है कंजक्टाइवल ग्लैंड्स एंड अदर ग्लैंड्स। तो ये सब ब्लिंक करते समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आई हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। ब्लिंकिंग इज ए गुड हैबिट, अपने को ब्लिंकिंग जरूर करना चाहिए। अपन कंप्यूटर पे वर्क करें, गाड़ी ड्राइव करें या कुछ पढ़ें दूर का पास का, तो ये ब्लिंकिंग एक इतना सिंपल तरीका है जो आँखों को बहुत ज़्यादा हेल्दी रख सकता है। मैंने ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि ब्रेक, जैसे अपन कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हैं, मैंने देखा है जो कॉरपोरेट ऑफिसेज है उसमें 9 to 10 ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग टू 5 to 6 ओ क्लॉक इन द इवनिंग कंटिन्यूसली वो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या गैजेट पे काम करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू मे बी 1 or 1.5 hour ब्रेक इन बिटवीन फॉर लंच। काम बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यूसली करते हैं बिना ध्यान दिए हुए, तो मैंने उससे बताया था कि एवरी 5 to 7 minutes मैक्सिमम अवेलेबल डिस्टेंस पर 5 ब्लिंक करें या एक बार ब्लिंक करके वापस स्क्रीन पे आ जाएं, तो ये आँखों का बहुत अच्छा ब्रेक होता है। उसके लिए अपन कंप्यूटर पर रिमाइंडर डाल सकते हैं, वी हैव टू ब्लिंक एंड लुक फॉर एंड ब्लिंक। आधा एक घंटा हो जाए तो एक अपनी सीट से उठ जाएं, एक चक्कर लगाएं जिस एरिया में आप हैं, रूम में हैं, हॉल में हैं, बाहर हैं, और वापस फिर सीट पे आ जाएं, क्योंकि उससे बहुत कुछ अच्छा रहता है। बॉडी के मूवमेंट होते हैं, आंखें ब्लिंक करती हैं, थोड़ी अपना फोकस ऑफ विजन डिफरेंट हो जाता है। पहले पास में देख रहे होते हैं, फिर बाहर जाते हैं या कहीं दूर जाते हैं, दूर देखते हैं तो अलग अलग फोकस हो जाता है। पॉस्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जो स्क्रीन है अगर आई लेवल से थोड़ी नीचे आई लेवल पर रहती है तो आँखें अपने को बहुत ज़्यादा नहीं खोलनी पड़ती, अगर आई लेवल से ऊपर होगी तो अपने को बहुत खोलना पड़ेगा। बहुत खोलने से जो टेयर्स होते हैं उनको एवोपोरेट होने का चांस मिलता है, एवोपोरेटिव ड्राई आइज भी बोलते हैं उनको, उसमें आंसू उड़ जाते हैं। तो अगर वो कंप्यूटर स्क्रीन अपनी आई लेवल से थोड़ा नीचे हो तो कंफर्टेबल रहता है, आँखें मिनिमम इतनी जितनी जरूरत है उतनी खुलती हैं, अपने आंसू एवोपोरेट नहीं होते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा लाइट ब्राइट लाइट में करते हैं तो आँखें बहुत स्क्वीज करनी पड़ती हैं, लगातार ऐसा करने से भी मसल टेंस हो जाती हैं, सर्कुलेशन ऑफ द टेयर बराबर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें, ह्यूमिडिटी बहुत रूम में अच्छी से थोड़ा सा ह्यूमिड होना चाहिए, और ड्राई इज़ नॉट कम्फर्टेबल। आँखों पर बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फैन या डायरेक्ट ब्लास्ट ऑफ कूलर एंड एसी शुड नॉट बी देयर, नहीं तो वो आँखें के आंसू इवेपोरेट हो जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, ये इश्यू कंप्यूटर का, अगर कोई प्रॉब्लम दूसरा है जैसे थायरॉयड या कोई ऑटोमेन डिजीज ऐसी वगैरह है, तो उसका बराबर से प्रॉपर वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डाइट मैंने बताया है, पॉस्चर बराबर रखना चाहिए। अगर गुड हैबिट्स फॉलो की जाए तो वी कैन प्रिवेंट ड्राई आइज। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आँखों को वैसे परेशान करता है, जो कि विजन भी कम करता है, ड्राई आइज भी कम कर सकता है।
बीच बीच में अपन पामिंग भी कर सकते हैं. पामिंग मीन्स क्रिएटिंग ए डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ द आईज फॉर सम टाइम. दैट कैन बी पॉसिबल एंड दैट इज वेरी वेरी गुड. अपने अपने हाथों से ही करना है लाइक दिस एंड क्रिएट ए डार्कनेस इन फ्रंट ऑफ योर आईज मे बी फॉर मे बी वन और टू मिनट्स इन बिटवीन. दैट हेल्प्स यू अलॉट. दैट रिलैक्सेज द आईज. दैट रिलैक्सेज द होल आई एपरेटस आई नर्व एंड ब्रेन एंड दैट गिव ए वेरी गुड इफेक्ट ऑन द टीयर सर्कुलेशन. जैसे मैंने बताया कि कभी कभी जैसे वो ऑयल पार्ट जो होता है वो पलकों के अंदर जो ग्लैंड रहती हैं वो मेबियन ग्लैंड मेबोबियन ग्लैंड का जो सिक्रीशन रहता है वो फैट जैसा रहता है वो कभी कभी क्लॉग हो जाती है, पैक हो जाती है तो सिक्रीट नहीं कर पाती. तो उसमें वार्म कंप्रेस बहुत अच्छा रहता है. बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो. जनरली 40 डिग्री पे बोलते हैं तो वो अगर करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल रहता है. दैट क्रिएट्स द सर्कुलेशन ऑफ मेबोबियन ग्लैंड मेक देम हेल्दी. उनसे सिक्रीशन बराबर होता है क्योंकि अगर आंखों पे ऑयल ना होगा तो आंखों का जो मॉइस्चर है एक्वस पार्ट वो एवोपोरेट हो जाएगा. वो एवोपोरेट होने से कोई बचाव नहीं रहेगा. तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ड्राई आईज हमें बचा सकती हैं. अगर ड्राई आईज हो जाए तो सिम्टम मैंने बताए थे. लेकिन क्या होता है कि सपोज इमेजिन करें कि अगर मॉइस्चर नहीं है आँख में तो जो पलक ब्लिंक करती है वो कॉर्निया को और जो कंजक्टिवल पार्ट जो बाहर है बल्बर कंजक्टिवल उसको घिसेगा. दैट कैन गिव ए रॉनेस और रफनेस ऑन द कॉर्निया. कभी कभी उससे इतना ज़्यादा हो जाता है कि अल्सर भी हो सकती है कॉर्निया पे, विजन लॉस भी हो सकता है. देयर आर लॉट मेनी डैमेज कैन बी डन ऑन द कॉर्निया. बहुत सारे डैमेज हो सकते हैं कॉर्निया पे. तो ड्राई आईज की कंसिक्वेंसेस भी ठीक नहीं है, काफ़ी ख़राब है. उसका ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्टोमोलॉजिस्ट आर्टिफिशियल टीयर्स भी लिखते हैं. क्योंकि मैंने देखा है जो टीयर आर्टिफिशियल टीयर आई ड्रॉप होती है बिना प्रिजर्वेटिव के नेचुरल फॉर्म में मिले तो वो ज़्यादा बेटर रहता है. सारे ऑइंटमेंट फॉर्म में आते हैं जो अपन रात को यूज़ करते हैं जिससे रात भर आँखें मॉइस्ट रहती हैं. ये है एलोपैथिक या आउटसाइड तरीका. लेकिन अगर ये प्रिवेंशन की जो मेथड मैंने बोली गुड हैबिट्स ऑफ द आईज हाइड्रेशन डाइट पॉस्चर सराउंडिंग ये सब पर ध्यान रखा जाए तो ड्राई आईज को हम अच्छे से प्रिवेंट कर सकते हैं एंड वी कैन सेव अवर आईज. आपको वो सेव कर सकते हैं. आज मैं इतना ही इस वीडियो में बोलना चाहूँगा. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अगर आपको यहाँ कॉन्टेक्ट करना है तो एवरीथिंग इज डिस्क्राइब बिलो. सब लिखा हुआ. थैंक यू सो मच. कॉन्टेक्ट ऑन 9324240702. यू कैन विजिट अवर साइट www.sanjeevan.in or you can contact us on or mail us on info@sanjeevan.in.